मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक का कौमी यकजहती अलायंस बनाने का ऐलान। कहते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए बातचीत चल रही है। GDA पीर पगारा तहरीक लब्बैक और बलूचिस्तान के लोगों से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को मसाइल से निकालने की बजाय मजीद मसाइल में धकेला। अलायंस हम बना रहे हैं कौमी यकजहती अलायंस के नाम से। चंद दिनों में मैं कुछ और जमातों के साथ भी रابطے कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शामिल भी होंगी। वो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी है, उसमें मरकजी मुस्लिम लीग भी है, उसमें मेरी GDA के साथ बातचीत हुई है, बलूचिस्तान से भी हमारे साथ लोग हैं, KPK से भी लोग हैं, लब्बैक के साथ रिजवी साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उनसे भी हमने बातचीत की है। हर किसी को ये भी पता है कि जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा ले लें हम, कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मजीद डाल दिया। ये सारे हालात आपके सामने, इस वक्त मैं आज़ाद हैसियत से आपके सामने हूँ जी। बस उम्मीद करनी चाहिए इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है ना अपने कौम पर खड़ा होगा और चीज़ें हम आगे करेंगे अच्छी तरह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।